तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके ही YouTube चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा KTM 390 एडवेंचर के बारे में। यस, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी कुछ न्यूज आई है, लेकिन क्या वो सच है? तो आज मैं इस वीडियो में क्लियरली कर दूंगा कि क्या है इस गाड़ी की सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करें इस गाड़ी का, तो ये काफी ज्यादा अवेटेड बाइक बोल सकते हो KTM की तरफ से, क्योंकि काफी लोग इसका वेट कर रहे थे और इसका सिर्फ टीजर से आ रहे थे कि आएगी आएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं था। लेकिन इसका एक अच्छा खासा अपडेट आया है कि इसको इंडिया में टेस्ट किया जा रहा है। इसके पहले जो टेस्टिंग हो रही थी वो बाहर विदेशों में हो रही थी, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज आई है कि इसको टेस्ट किया जा रहा है, वो भी इंडियन रोड्स पे। एंड इसका जो टेस्टिंग है वो एरिया तो नहीं बताया गया, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक ही जगह होती है टेस्टिंग, दैट इज बजाज पुणे R&D सेंटर्स पे ही होती है इसकी टेस्टिंग, तो वहीं पर ही देखा जा सकता है इस गाड़ी को टेस्ट करते हुए। तो वैसे भी इस गाड़ी को शेड्यूल किया गया है नेक्स्ट ईयर, कभी भी ये चीज लॉन्च हो सकती है, इसको एस टाइप से शेड्यूल किया जा रहा है। और ये जो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी पे लास्ट फाइनल टचअप ही चल रहा होगा, दैट इज द रीजन इस पर टेस्टिंग किया जाता है। उससे पहले टेस्टिंग नहीं किया जाता है कंपनी की तरफ से, जब फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जो बन चुकी होती है उसको टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद ही पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता है। तो दैट मीन्स ए गुड न्यूज बहुत जल्दी ही आने वाली है। इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें KTM 390 एडवेंचर की, तो ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसको डिलीवर्ड किया जाएगा या तो एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है वो भी KTM ड्यूक 390 का ही लगा वो मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इसको एडवेंचर टूरर बाइक बनाया गया है, बाकी इंजन तो आपको सेम ही मिलेगा। इसमें मिलेगा 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा, जो कि पावर आउटपुट निकालता है 43 bhp का पावर आउटपुट, और जो टॉर्क मिलेगा वो भी आपको मिलेगा 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क, पीक टॉर्क मिलेगा। और ये जो पावर फिगर है एग्जैक्टली सेम है KTM ड्यूक 390 से, लेकिन इसमें एक और चीज अपडेट ये है कि इसमें जो इंजन रहेगा उसको रीट्यून किया जाएगा फॉर ऑफ रोडिंग पर्पस, और इसका जो गियर बॉक्स है उसमें आपको मिलेगा 6-speed गियर बॉक्स, लेकिन उसको भी ट्यून किया जाएगा, उसके रेशियो को ट्यून किया जाएगा एज पर ऑफ रोडिंग के हिसाब से इस गाड़ी में किया जाएगा। अब गाड़ी के स्टाइलिंग के बारे में बात करें, तो जैसे कि टीजर फोटोज में देख के लग रहा है इस गाड़ी का जो लुक है ऑलमोस्ट जो एडवेंचर जो सुपर ड्यूक है 1290 एडवेंचर, वैसा ही सिमिलर इसका डिजाइन देखने को मिलता है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यही करती है कि जो हायर सीसी बाइक है उस डिजाइन वहां से लिया जाता है, बस इंजन को छोटा कर दिया जाता है और थोड़ा बहुत बॉडी पार्ट्स को भी छोटा कर दिया जाता है। आप बात करें इसके सीटिंग कंफर्ट की, तो जैसे पिक्चर में देख के लग रहा है इसकी जो सीट है वो काफी लॉन्ग और विड्थ रहेगा, तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस जब राइड करेंगे तो ज्यादा थकान आपको नहीं होगा इस गाड़ी में सिटिंग के पर्पस में देखा जाए तो। और फ्यूल टैंक देखा जाए तो इस गाड़ी में आपको 390 ड्यूक से ज्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगा, क्योंकि एडवेंचर प्लस टूरिंग बाइक है, इसमें आपको बड़ा फ्यूल टैंक मिलेगा। जो बाइक को स्पॉटेड किया गया है उस बाइक में अगर देखा जाए तो आपको मिलता है बिग ग्रैब रेल्स, यस बिग ग्रैब रेल्स मिलता है। जो इसमें टायर देखने को मिल रहा है वो है डुअल पर्पस टायर आपको देखने को मिल रहा है, प्लस आपको इसमें देखने को मिल रहा है इंजन गार्ड, यस आपको इसमें इंजन गार्ड देखने को मिल सकता है। एंड जो फोर्थ चीज है जो देखने को मिल रहा है वो है इसका लार्ज ट्रैवल सस्पेंशन। देख इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इसमें तो वही आपको TFT वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है। एंड अब मैं बात करूं इस गाड़ी के व्हील्स की, तो जैसे टेस्टिंग करते देखा गया तो इसमें आपको तो अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो इसमें दो टाइप के वेरिएंट आएंगे, जिसमें एक में अलॉय व्हील रहेगा और एक में मिलेगा आपको स्पोक अलॉय व्हील, तो काफी अच्छी चीज, आपके दो वैरायटी होंगे एडवेंचर बाइक लेने के लिए। KTM 390 एडवेंचर की अगर लाइटिंग यानी हेडलाइट की बात करूं तो इसमें फुल्ली LED हेडलाइट मिलता है, जैसे ड्यूक में वैसा ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा आपको 1290 सुपर ड्यूक एडवेंचर वाली, वैसा ही इसमें लुक मिलेगा। और जो हेडलाइट होगा वो फिक्स होगा, वो हैंडल के साथ मूवमेंट नहीं करेगा, तो ये भी एक अपडेट है इस गाड़ी में। और अब मैं बात करूं इस गाड़ी के लॉन्चिंग की, तो ये जब भी लॉन्च होगी तो इसका मेन कॉम्पिटिशन तो दो बाइकों से होगा, दैट इज BMW 310 GS, एंड जो सेकेंड है वो है कावासाकी वर्सेस 300 से। इन तीनों गाड़ियों के अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो KTM जरूर आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज KTM के प्राइस काफी रीजनेबल होते हैं और बाकी दोनों गाड़ियों के तो काफी ज्यादा प्राइस है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट KTM 390 एडवेंचर? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना। टिल देन बाय, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट रिव्यू, कुछ भी हो सकता है। टिल देन बाय एंड चाओ।